हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सबसे पहले जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं या जो टॉपिक बता रखा है, एक्सरसाइज है जिसके ऊपर, दैट इज फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल। कोई भी पूरा दे रखा है उसका कोई भी पार्ट, जैसे इसमें फोर सेक्शंस कर लिए हमने, अगर वन पार्ट हो गया ये जैसे, तो पूरे का पार्ट ऑफ होल। द होल में भी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और हो सकता है कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो। मीन्स हमें 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी हमने 5 सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। नाउ दिस इज अ होल। अगर हम इसमें से 2 सर्कल्स लेते हैं, दिस मीन्स हम 2 पार्ट ले रहे हैं पूरे का, ठीक है? तो ये कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा लेस होगा डिनोमिनेटर से। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिखा 2/5, तो जो न्यूमरेटर है वो 2 है, डिनोमिनेटर 5 है, तो 2 इज लेस देन 5, देयरफॉर इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसका उल्टा हो जाएगा। मीन्स जो न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड अ पार्ट। ये कॉम्बिनेशन है पूरे का और हाफ का। जैसे 1, 2/3 लिखा हमने, तो 1 इज अ होल एंड 2/3 इज अ पार्ट, और ये पार्ट होगा हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, है ना? ये होल एंड ये पार्ट। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है होल का और एक पार्ट का, ठीक है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है आर द फ्रैक्शंस द नेम द सेम नंबर, दैट द नेम द सेम नंबर। मींस अगर हमने 2/5 लिखा था अभी, अगर हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाने, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो होल नंबर इन ऑर्डर टू द हैव इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो या तो ये मल्टीप्लाई होते हैं या डिवाइड होते हैं सेम नॉन जीरो नंबर से। जैसे 2/5 था, इसका इक्विवेलेंट लिखना है, तो हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आ गया हमारा 4/10। तो 4/10 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। सिमिलरली अगर 2/5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो कितना आता? 6/15। नो, 6/15 इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द 2/5, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1, हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखना है 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5। 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सॉल्यूशन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 आर क्या होंगे? 3/5 में मल्टीप्लाई करना है हमें, पहले करेंगे 2 का, इट विल बिकम 6/10। 3/5 में मल्टीप्लाई किया हमने 3 का, दोनों बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, 3 3 9, 5 3 15। 3/5 में मल्टीप्लाई किया 4 का, इट विल बिकम 4 3 12 एंड 5 4 20। कितने लिखे हमने? 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिख दिए। 2 और लिखने हैं, तो 3/5 में हमने मल्टीप्लाई किया 5 का, इट विल बिकम 15/25। एंड नेक्स्ट इज 3/5 में हमने मल्टीप्लाई किया 6 का, इट विल बिकम 6 3 18 एंड 6 5 30। इसके बाद हैंस 5 इक्विवेलेंट, हैंस 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 3/5 आर कौन कौन से हो जाएंगे? 6/10, 9/15, 12/20, 15/25 एंड 18/30। तो ये 5 हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए किसके? 3/5 के। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2 में क्या दे रखा है? इसमें बता रखा है रमेश सॉल्व 2/7 पार्ट ऑफ एन एक्सरसाइज। रमेश सॉल्व करता है 2/7 पार्ट किसी भी एक्सरसाइज का, वाइल जबकि सीमा सॉल्व करती है 4/पार्ट ऑफ इट। हु सॉल्व लेसर पार्ट, किसने लेसर पार्ट सॉल्व किया? तो लेसर पार्ट सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो उसके बाद जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होगा
वो नंबर बड़ा है, तो हम कह सकते हैं 2/7 इज इक्वल्स टू, पहले एलसीएम निकालते हैं किस किस का, 7 का एंड 5 का, एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 इज, अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 35, 7 5 या 35। अब दोनों को 2/7 का भी डिनोमिनेटर 35 बनाना है एंड 4/5 का भी डिनोमिनेटर 35 बनाना है। 35 बनाने के लिए किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर को, 5 से, तो 2 5 या 10, 7 5 या 35। 35 ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो दोनों का डिनोमिनेटर था दोनों का 2/7 का एंड 4/5 का, वो हमारा 35 आया था, इसलिए 35 बनाना है दोनों का डिनोमिनेटर। नेक्स्ट है 4/5, 4/5 का डिनोमिनेटर 35 कैसे बनेगा, 5 को 7 से करें, तो अगर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, कि ये नहीं कि एक में मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे में मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 2/7 किसका था हमारा, 2/7 सॉल्व किया था रमेश ने, एंड सीमा ने कितना सॉल्व किया था, 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर 35 हो गया। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर हमारा लार्जर है, उसने हमें लार्जर सॉल्व किया, लेकिन हमें क्या निकालना है, लेसर, तो लेसर किसने सॉल्व किया, फर्स्ट वाले ने, 2/7 ने, तो हैंस हैंस, या यहां पे अभी और लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 10 इज लेस देन 28, ठीक है, 10 इज लेस देन 28, दस 10/35 इज लेस देन 28/35, दैट इम्प्लाइज पी कितना था, 2/7, 2/7 इज लेस देन 4/5। अब लिखेंगे हैंस रमेश सॉल्व लेसर पार्ट देन सीमा, तो रमेश ने लेसर पार्ट सॉल्व किया था सीमा से। एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखा हुआ, समीरा परचेज 3 1/2 kg एप्पल्स, समीरा ने कितने एप्पल्स परचेज किए, 3 1/2 kg एंड 4 3/kg ऑरेंजेस परचेज किए समीरा ने, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट परचेज बाय हर, टोटल वेट कितना था जो उसने परचेज किया, तो समीरा परचेज्ड एप्पल्स कितना था, 3 1/2 kg, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1/2 था, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 6 प्लस 1, तो हम इसको लिखेंगे 3 × 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 7/2, तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद कितना है हमारा, 7/2, 7/2 kg, ये हो गया 7/2 kg। नेक्स्ट है समीरा परचेज्ड ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस परचेज किए, 4 3/4 kg, कितना हो जाएगा ये, 4 4 16 17 18 and 19, सेम जैसे अभी ऊपर वाला किया था हमने, तो 19/4 kg। अब टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स दोनों को ऐड कर लेंगे, 7/2 प्लस 19/4 दैट विल बी इन kg, ठीक है, लास्ट में यूनिट ले देंगे, पहले इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 4, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 2 जा 4 होता है, तो 2 7 जा 2 2 जा 4 होता है ना, डिनोमिनेटर हमारा जो एलसीएम आया 4 आया, तो इस 2 का 2 कितने टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4, तो उस 2 का जो जिसके टाइम्स आया था उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 जा 14 प्लस 4 1 जा 4 होता है, तो उस 1 का 19 के साथ, तो इट विल बिकम 14 प्लस 19 डिवाइड बाय 4 कितना हुआ, इट विल बिकम 33 डिवाइड बाय 4 kg।
और इसको मिक्सड में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 32, 1/4। अगर नहीं आता तो करके देख लेते हैं, 13 बाई, ये कितना है, 33/4, 33/4 है, तो 33 को डिवाइड किया 4 से, इट विल बिकम 4 8 32, कितना बचा, 1। तो इसको कितना लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ना, 8 1/4, ठीक है, 8 1/4, तो 8 1/4 kg हमारा इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट्स। उसके बाद लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 2.1 के। इसमें लिखा हुआ है, सुमन स्टडीड फोर 5 2/3 आवर्स, 5 2/3 आवर्स सुमन स्टडी करती है डेली। सी डिवोट्स 2 4/4 आवर्स ऑफ हर टाइम फॉर द साइंस एंड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स और साइंस के लिए कितना डिवोट करती है, 2 4/5 आवर्स। हाउ मच टाइम डज सी डिवोट्स फॉर द अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स वो कितना पढ़ती है ये बताना है हमें, कितना डिवोट्स देती है, कितना टाइम देती है उन अदर सब्जेक्ट्स को। तो ये हमारे पास कोई भी टोटल टाइम, ठीक है, इसमें से दिस इज द टाइम दैट सी स्टडीड फॉर द मैथ एंड साइंस, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, पूरे में से माइनस कर देंगे जितना मैथ एंड साइंस के लिए पढ़ा पढ़ा था उसने। तो सॉल्यूशन, टोटल टाइम ऑफ द सुमन स्टडी, टोटल टाइम ऑफ सुमन स्टडी कितना टाइम है, टोटल 5 2/3 आवर्स, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 5 15, 16 17/3 आवर्स। कैसे किया है, ये लिखा है 5 2/3 मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 3, जो न्यूमरेटर में है वो प्लस, डिवाइड बाय 3 है ना, तो 5 3 15 प्लस 2 17/3 आ गया हमारे पास। उसके बाद सी गिव्स टाइम टू द, सी डिवोट्स टाइम टू द मैथ्स एंड साइंस, टाइम डिवोटेड फॉर साइंस एंड मैथ्स एंड मैथमेटिक्स, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स, कितना टाइम, 2 4/5 आवर्स, 2 4/5 आवर्स, कितना कन्वर्ट कर होगी, कितना हो जाएगा, 5 2 10, 10 प्लस 4, 14/5 आवर्स। देयरफॉर टाइम डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स के लिए कितना टाइम डिवोट किया, माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, 17/3 में से माइनस करेंगे 14/5 को, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, 17/3 में से माइनस करेंगे 14/5 को, एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 इज 15, तो 17/3 कितना हो जाएगा, 17/3, 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो गया, 17 5 जा 85/15, एंड 14/5 किसके बराबर हो जाएगा, 14/5 into 3, 14 3 जा 42/15, देयरफॉर 17/3 माइनस 14/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू पुट किया दोनों का एलसीएम कितना होगा, दोनों का एलसीएम 15, और कितना हुआ, 85 माइनस 42 कितना है, 43/15, मिक्स किया तो कितना हो जाएगा, 43 को डिवाइड कर रहे हैं हम 15 से, तो 15 2 जा 30 13, कितना है, 2 13/15, तो ये आ गया 2 13/15 आवर्स, ठीक है, 2 13/15 आवर्स, इतना हो गया। लास्ट में क्या लाइन लिखेंगे, हैंस हैंस टाइम डिवोटेड फॉर अदर सब्जेक्ट्स इज 2 13/15 आवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा।
इसके बाद ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल था, है ना। थैंक यू।